हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कहाँ पे जा रहे हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं भाई कश्मीर, थोड़े टाइम में निकलेंगे। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तैयार होंगे अच्छे से। और सामान तो मैंने पैक किया नहीं अभी कुछ भी, तो सिर्फ बेड पे पड़ा है भाई, खलार डाल के रखा हुआ है, उसको भी पैक करेंगे। तो मनीष भी आ रहा है, तो अभी उसको पूछते हैं तुमने पैक वगैरह किया नहीं सामान, उसने तो भाई करके रखा होगा, बोल तो रहा था मेरे को शाम को। और साथ में थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ हो गया है ट्रिप पे जाने से पहले, वो ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि जिन बंदों की वजह से हम गाड़ी लेके जा रहे, नहीं तो हमने मैंने और मनीष ने प्लान बनाया था कि हम बाइक लेके निकलेंगे भाई यू 390 आराम से जम्मू से कश्मीर लद्दाख, तो बंदा आराम से जा सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट फिर दो बंदे और बोलते कि हम भी चलते हैं, तो फिर हमने सोचा यार फिर तो हम गाड़ी लेके चलेंगे, अपना भी सामान आराम से आ जाएगा, तो बाइक पे थोड़ा मतलब एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है सामान वगैरह। फिर हमने सोचा गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो एंड टाइम पे भाई उन बंदों ने हमें किया खज्जल। तो अभी हम बच गया दो बंदे। तो अभी भाई अगर प्लान बनाया हमने तो फिर अभी कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि मूड पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी पूछते हैं मनीष को भाई ये लेंस के आगे मक्खी क्या कर रही है। तो अभी पूछते हैं मनीष को क्या करना क्या नहीं करना। तो ये आ गया भाई, क्या चक्कर है भाई, जाना नहीं जाना उन्हें, मैं नहीं खज्जल करता भरावा, एक बार बोल दिया जाना है तो फिर जाना है। तैयार 10 बजे बोला था उन्होंने, 10 बजे अभी 9 भी नहीं बजे हैं। सामान तो उन्होंने पैक किया, मैंने कुछ पैक नहीं किया। वैसे अपनी पैकिंग वगैरह हो गई है, तो अभी की है जस्ट मैंने अभी नहा के आया क्योंकि टाइम कम था, तो इतना ब्लॉग शूट किया भी नहीं। तो अभी ये शूज हम अभी एक शूज डाले हैं, तो इनको भी लेना साथ में, और अभी चप्पल भी लेंगे साथ में। तो गाड़ी इसकी लगी है भाई घर पे, इसको बोल रहा हूँ मैं मेरे घर के बाहर ला, तो यहाँ से सामान सारा डालते हैं गाड़ी में। बोलता नहीं भाई जाने पैदल वहां तक लेके। तो अभी ये वाले कपड़े मनीष के बैग में डालेंगे हम, तो बाकी अभी उठाते हैं भाई सामान तो निकलते हैं फिर। तो अभी देखते हैं फिर आगे का प्लान क्या बनता है। सो फाइनली गाइस अभी निकल रहे हैं भाई घर से, अभी मनीष के घर पे जाएंगे भाई, वो अभी रेडी होगा, वो तो हो जाएगा 10 मिनट में। तो मैंने भाई काफ़ी टाइम लगा दिया रेडी होने में, पैकिंग वगैरह करनी थी यार वो मैंने की नहीं थी रात को, तो वो मैंने अभी की। तो अभी भाई निकल रहे हैं, तो ये देखो शूट वगैरह अभी हाथ में पकड़े हैं। तो अभी कुछ सामान मेरा मनीष उठा के लेके जा रहे क्योंकि मेरे पास बैग एक ही था, तो उसमें सामान थोड़ा जाता था भाई। तो बाकी वाला सामान हम करेंगे मनीष के बैग में एडजस्ट, बाकी तो गाड़ी खाली है पीछे, दो ही बंदे हम, पूरा सामान वगैरह रख लेंगे पीछे। चल चलते हैं फिर मनीष के घर पे, तो बताता हूँ वहाँ पे आपको जाके सारा सीख। मुझे भाई मनीष के घर पर ये लगे गाड़ी, तो अभी इसमें सामान वगैरह डालते हैं भाई सभी। भाई अंदर यहाँ लेके जा रहा गाड़ी में लो, तो ये लगे भाई ड्यूक 390। तो हम बाइक लेके भी जा सकते थे, मैंने आपको पहले बताया क्या सीन हुआ हमारे साथ, तो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। वैसे ठीक है गाड़ी यार, क्योंकि इसमें सामान वगैरह काफ़ी आ जाएगा, तो मतलब आराम से जा भी सकते हैं, तो इतनी थकावट वगैरह भी नहीं होगी, बाइक पे हो सकती थी। तो अभी रखते हैं इसमें सामान वगैरह, तो फिर मनीष यहाँ से रेडी होता है फिर निकलते हैं भाई। फाइनली गाइस गाड़ी घर से बाहर आ चुकी है, तो अभी बस निकल रहे हैं भाई, थोड़ा सामान वगैरह डाल रहे हैं, ये कंबल वगैरह डाला है हमने पीछे, और अभी हमारा सामान वगैरह ऐसे ही पड़ा थोड़ा बिखरा हुआ, तो अभी इसको सेट करेंगे थोड़ा भाई, क्योंकि थोड़े ये कपड़े वगैरह मतलब की जो जैकेट है वो थोड़ी सी फट गई है, और साथ में मनीष के शर्ट के दो बटन टूट गए हैं। तो अभी दर्जी के पास चलते हैं भाई, करवाते हैं इनको भी ठीक, फिर साथ में कंबल डाला उसको सेट वेट करते हैं। और मनीष की है अभी कढ़ाई वगैरह लेने, पतीला वगैरह लेने, तो उसको भी डालते हैं भाई गाड़ी में। तो सिलेंडर अभी लेते हैं भाई, खुद बनाएंगे खाना वगैरह, अगर कैंपिंग वगैरह हमने की कहीं पे तो फिर निकलते हैं भाई। और हमारे मोहल्ले का आगे लड़का भाई देख के हंस रहा है मेरे को, ये देख लो। तो भाई अभी भाई चलते हैं फिर, जैसे मनीष बैठता गाड़ी में। तो अभी एक साथ में मेरे साथ भाई इसने सीन कर दिया यार, मेरे को बोलता भाई कैसे निकलेंगे, पुराने वाले घर वाले कपड़े डाल के मतलब की, तो जब उधर पहुंचेंगे श्रीनगर में वहां पे डालेंगे नए वाले कपड़े जो हमने पैक किए हुए हैं। मैं ठीक है बराबर, मैंने मैं भी आ गया घर वाले कपड़े डाल के, तो बाद में भाई बंदा खुद पैंट डाल के पूरा रेडी हो गया मस्त। मैं ठीक है बराबर, मैं वो खज्जल खुद में नए कपड़े डाल दिए। चलो कोई नहीं, बाकी तो अभी भाई चलते हैं शॉप पे दर्जी की, पहले तो करवाते हैं अपना सामान वगैरह सेट, तो फिर बस निकलते हैं। और वो देखो भाई आवाज लगा रहे हैं पीछे लड़के, ये देखो इनको ही बोल रहे हैं हम चलो भाई, ये जा ही नहीं रहे हैं हमारे साथ, वो डोला दिखा रहे हैं भाई। वो चलो भाई जतिन को ले जाओ यार, जतिन जा रहे हैं मम्मी कसम उसको सुबह सुबह कॉल की, जा रहा ही नहीं है। क्यों नहीं यार, पता नहीं बोल रहा है, बोल पैसे मेरे से ले ले जा भाई, वो कशक बढ़ गया कशक भाई। ये किस किसके कपड़े रखे हैं, कपड़े बराबर अपने हैं, कमीज है साले, बड़े त्रुटे दे साले, बड़े लवाने ही एक जो तुने बड़े त्रुटे ना ने जतिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं ज्यादा अभी निकल चुके हैं घर से। और भाई ये बता मेरे को घर वाले कपड़े डलवा के तू खुद नए कपड़े कैसे डाल दिया तूने, पैंट वगैरह एक करे लेने
भाई मेरे को डलवाया पुराने कपड़े खुद डाले हैं इसने, पेंट वगैरह शर्ट वगैरह फर्स्ट क्लास अपने रेडी होके जा रहा है। चलो कोई नहीं, हम श्रीनगर होके श्रीनगर पहुंच गए होंगे रेडी भाई अच्छे से। तो फाइनली गाइस अभी हमारा थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया भाई, 50% तक अच्छा हो गया, क्योंकि भाई जो बंदों ने कैंसिल किया था तो अभी उन्होंने कॉल की, चलो भाई आपका मूड हमने खराब किया, अभी प्लान बनाया था तो चलो भाई अभी हम भी चलते हैं, तो वो भी जा रहे हैं, मूड हमारा अच्छा हो गया। तो अभी जैसे ही देखते हैं भाई कहाँ पे वो तो सोया होगा, क्योंकि आपको पता ही है 2 बजे उठने का टाइम है, रात को 4 बजे सोता है। तो ये लगी उसकी बाइक वगैरह, तो अभी एसी वाले रूम पे उस पर जाएंगे, बच्चे हमने तो शूज़ डाले हैं भाई ये देख लो, तो अभी बाहर आ भी नहीं रहा। जतिन कहाँ पे है, उसको उठाओ ना, मैंने शूज़ डाले हैं, मैं अंदर कैसे जाऊँ, खोल देता हूँ फिर। तो चलते हैं भाई देखना अंदर सोया होगा ये, देखो भाई कैसे सोया ये देखो, पूरी गाड़ी पीछे से बजती है, बैग ही बैग रख दिया, पूरा सामान ही सामान है। तो अभी थोड़ा सा सामान और भी, वो पवन का सामान है, तो पवन ये खड़ा है भाई, ये जा रहा है हमारे साथ, इसने पहले कर दिया था प्लान कैंसिल, तो स्टिंग पी रहा है, रुमाल के बीच में कुछ होगा, पैसा होगा देख ले। तो पवन स्टिंग नहीं पिया कर, तेरे को पता नहीं आएगा, रील चल रही है स्टिंग पीने वाले लड़के छपरी, स्टिंग पीने वाले लड़के छपरी होते हैं। फाइनली गाइस निकल चुके हैं भाई घर से, और ये देख लो अपनी गैंग आ गया सभी, तो इन्होंने पहले प्लान कैंसिल किया था, अभी भाई सभी मान गया, तो अभी सभी जा रहे हैं भाई, तो अभी मजा आएगा घूमने में, ऐसे अकेले मन नहीं कर रहा था भाई, मूड ऑफ हो गया था पूरा, तो अभी पूरा मूड सही हो गया है, तो अभी चलते हैं भाई, अभी हमें सामान भी लेना रास्ते से थोड़ा बहुत, तो वो भी लेंगे। क्या लेना है पवन रास्ते से हमें, कशावड़ा तो लिया है भाई, वो लेना है, सिलेंडर लेनी है, सिलेंडर छोटी रोटी बनाएंगे ना उस पे। गाइस पहुंच गए टोल प्लाजा पे, आगे आने वाला है टनल भाई, फिर देखना व्यू आगेगा, तो अभी गाड़ी कर रहा हूँ मैं, ड्राइव करूंगा आगे तक, क्योंकि एक बंदा तो भाई इतनी ड्राइव कर नहीं सकता। तो फाइनली गाइस आ गया टनल्स, और व्यू भी देखो भाई कितना खतरनाक, और मौसम देखो कितना ज्यादा सही हो रखा है, और अभी हम जाएगा कश्मीर, आ गए टनल के अंदर भाई। कटरा से पीछे हैं थोड़ा, यहाँ से डलवा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि भाई ये देखो लास्ट वाला ब्लिंक ओवर है, तो अभी यहाँ से फुल करवाएंगे कश्मीर, तो आराम से पहुंचेगी भाई गाड़ी, बहुत एवरेज अल्ट होगी, तो बाकी डलवाते हैं पेट्रोल तो निकलते हैं फिर, बस ये ट्रक वगैरह रास्ते में ना मिले, जाम वगैरह ना मिले, बाकी सब सही है। तो अभी देखते हैं भाई रास्ता वगैरह कैसा होगा, जहाँ तक कि मैंने सुना है कश्मीर में बारिश वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो रही, जम्मू में फिर भी हो रही है, तो कश्मीर में मौसम साफ है। अभी पहुंच गया चनानी भाई, आगे आने वाला टनल जो कि 9 किलोमीटर का है लंबा, तो अभी चलते हैं भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई भाई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, कश्मीर में धूप चढ़ी है भाई, अभी मैंने भाई का पूछा, बोलता भाई इधर तो गर्मी है बट इधर का मौसम देखो भाई, बाहर क्या और हो रखा है, बादल ही बादल हो रखे हैं पूरे, तो अभी भाई देखते हैं कब पहुंचते हैं कश्मीर, मेरे को लगता है अंधेरा हो जाएगा, 7-8 बजे पहुंचेंगे, अगर ट्रैफिक ना मिला तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बाकी गाड़ी से आगे बंदा हाई कर रहा है मेरे को, अभी मेरे को पहचानता है यहाँ क्या चक्कर है वो मेरे को पता नहीं है। बाहर का मौसम देखो यार कितना खतरनाक हो रखा है, पूरे बादल ही बादल हो गया पहाड़ी पे। तो अपना आ गया भाई चनानी टनल, तो चलो भाई चलते हैं फिर, 9 किलोमीटर का लंबा है, तो अभी देखो भाई करते हैं एंटर। भाई सभी पहुंच गए पीड़ा, तो यहाँ पे खाते हैं फेमस राजमा चावल, आप सबको पता ही होगा जम्मू वालों को, तो चलते हैं राजमा चावल खाने के लिए। तो गाड़ी मनीष कर रहा आगे पार्क, तो ये देख लो सामने भाई ढाबा वगैरह है, यहाँ पे शॉप वगैरह, तो यहाँ पे खाते हैं राजमा चावल वगैरह, तो अभी चलते हैं शॉप पे, तो बाकी बताते हैं टेस्ट कैसा है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ इधर, तो अभी चलते हैं भाई, फेमस तो है, चलो खा के आते फिर आपको टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा है कैसा नहीं। ये व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई, तो ये शॉप है, इसके बैक साइड पे हम इधर बैठ के भी खा सकते हैं, तो बाकी ये व्यू चेक मारो यार क्या खतरनाक लग रहा है। आ गया अपने राजमा चावल भाई, तो अभी इनको करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको कैसे है कैसे नहीं। भाई कैसे है यतीन, टेस्ट कर ली तूने, जैसे बोल रहा है टेस्ट किए भी है, जैसे बोल रहा है कर लिया, तो अभी भाई खाते हैं जो मर्जी कह लो टेस्ट हुआ है, सिर्फ देसी घी डाला है इसमें, राजमा चावल खा के मजा आ गया, काफी ज्यादा टेस्टी थे भाई। तेरे को सड़क पार करा भाई, गाड़ी के नीचे आएगा वो, चुका हूँ बात मैंने वो एक ही है, जब की दिखता मुझको लाख चल, सुबह उठते ही खुजू तेरी खुशबू, फिर आता याद बावला में, तू तो पास नहीं मुझे पसंद, अपने सर और सांस तो उनसे खास। भाई सभी काजीकुंड पहुंचे भाई, यहाँ पे ट्रैफिक वालों ने रोक लिया, पुलिस वालों ने बोला कि आज गाड़ी नहीं जाएगी, सभी भाइयों को रोक रहे हैं, सभी गाड़ियाँ देख लो लगी हुई है, तो बोल रहे हैं कल छोड़ेंगे, अब भाई आज की रात से क्या करेंगे, ना आगे गए ना पीछे गए, तो आज की रात यहीं से बितानी पड़ेगी। तो वैसे कैंपिंग टेंट तो अपने पास भाई लगा लेंगे या कुछ करेंगे भाई, जुगाड़ करते हैं कुछ, तो देखते हैं भाई क्या बनता है अभी क्या नहीं, तो आज तो ये छोड़ने नहीं वाले, आज रहेंगे भाई यहीं पे, तो आज की रात भाई गंदी रहने वाली है यहाँ तक मेरे को लगता है, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, अब तो
तो भाई रात पार्टी तो यहीं पे बैठेंगे अभी शाम का टाइम है, तो अभी रोटी का भी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो बाकी ये देखो भाई व्यू देख लो कितना खतरनाक है, और मौसम भी भाई एकदम ठंडा है भाई, ठंडा ठंडा हो गया। तो ये देख लो भाई कम से कम भी हमें एक डेढ़ घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए, उसके बाद हमने मतलब पवन ने थोड़ी हमारी हेल्प करा दी भाई, किसी को कॉल वगैरह करा के तो SHO को कॉल दी थी, उन्होंने डायरेक्ट कॉल दी इनसे इनको, तो इनसे बात हुई, तो अभी वो बोल रहे हैं हमें थोड़े टाइम रुक जाओ जैसे अंधेरा होगा थोड़ा सा तो आपकी गाड़ी निकाल देंगे भाई, तो थोड़ा सा पवन ने हेल्प करा दी, सिफारिश चली है भाई हमारी तगड़ी है ना, तो भाई बस थोड़े टाइम में छोड़ देंगे हमें भी तो निकल जाएंगे। तो बाकी भाई और साथ में और कोई भी कश्मीर आ रहा है अगर मेरा भाई, तो भाई 5 बजे से पहले निकल जाना इधर से, क्योंकि ये 5 बजे के बाद छोड़ते नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है तो उसके सिक्योरिटी के लिए सारा सिस्टम है, तो जो भी भाई आता है अगर तो 5 बजे से पहले निकल जाना। फाइनली गाइस हमें छोड़ दिया भाई, ओ इतनी खुशी हो रही है ना भाई अभी क्या बोले, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां लगी हमारी, सिफारिश चल गई भाई हमें छोड़ दिया, तो अभी भाई पहुंच जाएंगे श्रीनगर 2.5 घंटे में यहाँ से काजीगुंड से। ये चीज मेरे को पता चल गई कि कभी लाइफ में ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इधर से हमें पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, तो आगे जाते भाई आर्मी वालों ने फिर से रोक लिया, बोले कोई गाड़ी नहीं जाएगी वापिस मोड़ लो, तो फिर टनल से हम फिर से वापिस आए। इस टाइम पे हम अमरनाथ यात्रा चल रही है, यहाँ पे बेस कैंप वगैरह उनके लिए यात्रियों के लिए, तो खाना वगैरह भी है साथ में, रहने के लिए जगह भी है, तो हम यहाँ पे रुक भी सकते हैं, तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे भाई रात में, तो बाकी देखते हैं अभी। अगर मेरा भाई कोई भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो काजीगुंड में, तो ये फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर लगाया भाई सेवा कर रहे हैं यात्रियों के लिए, इतनी फैसिलिटीज है, काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। तो हम भी कश्मीर पहुंचे नहीं आज, हम भी यहीं पे रुकेंगे, तो यहाँ पे लंगर खाएंगे, तो बाकी अभी पवन और जतिन गए खाने, मैं और मनीष जाएंगे फिर खाने के लिए, तो जैसे वो आते हैं तो फिर हम भी खाते हैं भाई।